हाँ तो कहाँ है बाकी सब? ऑफलाइन और लाइव ऑफलाइन बच्चे सब लोग हाजिर हो जाइए, अपनी अपनी हाजिरी लगाइए और यहाँ पर आईआर आज हम यहाँ पर पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पिछली क्लास में अर्थात जब हम इंट्रोडक्शन क्लास थे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें कही गई थी कि आपको करके आनी है, पढ़ के आनी है ना। बुक सबने ले ली थी, सबको बोला गया था बुक सबके पास होनी चाहिए और जाके स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी पहला जो लेक्चर सबने कर लिया है, किसी का रहा तो नहीं है। किसके पास बुक नहीं है लाइव ऑफलाइन बच्चे हैं, किसके पास अभी तक राजेश मिश्रा जी की अंतर्राष्ट्रीय बुक नहीं है ये बताइए, कितने लोगों ने बुक नहीं ली है अभी तक? हाँ जी आप लोग बताएं, आप लोगों में किसके पास नहीं है? पढ़ लिया था? अच्छा एक में दो लोग आप साथ ही में रहते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा ऐसे अगर लाभ की स्थिति है किसी के पास तो जरूर लाभ उठाइए। हाँ बाकी आपके पास है? आपके पास है? आपके पास भी? आपके पास अभी नहीं है तो गलती से घर पे रह गई है। पढ़ा था? नहीं पढ़ा है? आप दोनों ने पढ़ा है? जो पेपर एक दिया गया था, पेज दिया गया था, सब पढ़ लिया है? रिवीजन है? ऑफलाइन में सबने पढ़ा है? नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो बताइए, आप अगर हमारे साथ नहीं चलेंगे, हम आपको कुछ बोलेंगे और आप नहीं करेंगे तो चीजें कैसे चलेंगी ऑफलाइन में? कौन कौन किसके पास नहीं है? चलिए तो एक दो पेज की एक मैटर दिया गया था, दो तीन चार पेज का कुछ चीज़ें मैंने कहा था कि आपसे रिवीजन के तौर पे पूछ लिया जाए पढ़ने लेकर कर, क्योंकि ये चीज़ें रहेंगी तो आगे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी मेरा भी समय खराब नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले बेस अच्छा मजबूत हो जाए, क्लियर हो जाए तो आईआर पढ़ने और समझने में आसानी हो जाएगी। कारण क्या है कि आईआर क्या है, अन्य विषयों की तरह बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें पढ़ने को लेकर। क्या है? कहानी है। कहानियां क्या होती हैं? कहानियां समझ में कब आती है? जब आपको पहले बिंदु से उसके हर एक चरणबद्ध तरीके से बताई जाए तो आपको समझ में आती है। जैसे मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी अगर देखें हम स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट तक देखें तो हमें समझ में आती है, लेकिन कोई मूवी आपको बीच से लगाकर दे दी जाए तो जो घटनाएं आपके सामने उस समय प्रत्यक्ष रूप से हो रही होंगी आपको समझ में आएगी या ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होता है। आपको यहाँ पर कहानी कब समझ में आती है? जब आप स्टार्टिंग से कोई चीज़ देखें। आईआर भी ऐसा ही है। आईआर में जब हम कोई चीज़ पढ़ें हम वहाँ पर उसके बेसिक पहलुओं से पढ़ना शुरू करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ेंगे और पढ़ने साथ साथ एक चीज़ क्लियर रखेंगे कि यहाँ पर जो भी बिंदु स्टार्ट करेंगे पहले बिंदु से पढ़ते हुए अंतिम बिंदु जाएंगे, एक चीज़ खत्म करेंगे दूसरे बिंदु पर जाएंगे, तीसरे पर जाएंगे और चौथे पर जाएंगे। तो चलिए इसलिए सबसे पहली जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ें हम पूछ लेते हैं। ये वाली शीट फ्राइडे को मिली थी सबको, नहीं आओगे तो यही नुकसान होगा। अब क्लास छोड़ने का मतलब है कि कोई चीज़ आप मिस करोगे। ये चीज़ नहीं मिली है तो कहाँ से कांटेक्ट करना है? नहीं मुझसे नहीं करना है, मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूँ। कौन करता है? रिसेप्शन काउंटर है, वहाँ पे जाइए, मैटर बताना है कौन सा है, मुझे नहीं मिला है, कब मिल जाएगा वो बता देंगे, आप अरेंज करिए वहाँ से। मुझसे नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए पढ़ाने के लिए आता हूँ। चलिए बात करते हैं। सबसे जो जरूरी चीज है प्रतिनिधि, डेलीगेट्स, प्रतिनिधि या डेलीगेट से कहते हैं। वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो डेलीगेट्स कहलाते हैं। यही है, अपने राज्य का प्रतिनिधि किसी दूसरे देश में प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या प्रतिनिधि सिर्फ आपका प्रधानमंत्री होता है? कौन कौन हो सकता है प्रतिनिधि आपका? कोई राजनयिक हो गया, कोई राजदूत हो गया, कोई मंत्री हो गया, कोई वरिष्ठ अधिकारी हो गया, जो भी भारत की तरफ से भारत का पक्ष रखने के लिए किसी दूसरे दौरे पर, विदेश दौरे पर किसी मंत्री या उस देश के किसी समकक्ष से मिलने है, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो भारत की तरफ से या भारतीय सरकार या भारत की जन की तरफ से बुने, ऐसा नहीं कि पर्यटक कोई गया है तो वो वहाँ पर क्या है, उसे हम डेलीगेट नहीं करेंगे, उसे क्या कहेंगे? टूरिस्ट कहेंगे। डेलीगेट्स हम ही यूज करेंगे जब भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आप वहां पर जाते हैं
जी से मिलने के लिए, और भारतीय पक्ष वहां पर आप रखने जाएंगे, उन्हीं लोगों को हम डेलीगेट्स कहेंगे। अन्यथा के बाकी कोई अगर पर्सनल जा रहा है तो वो कौन होगा, वहां के उस क्षेत्र का टूरिस्ट कहलाएगा। बिजनेस के पर्पज से गए हो, बिजनेसमैन कहलाओ, लेकिन आप डेलीगेट्स नहीं कहलाओगे। चलिए इसमें एक और पक्ष आता है कि राजदूत किसे कहते, बताइए। तो मध्यस्थ क्या होगा, मध्यस्थता अगर कराने के बाद अगर काम मध्यस्थ करता है तो क्या करता है, हाँ दीपक जी बताएं। और कोई देखिए, यहाँ पर राजदूत या दूतावास, दो चीजें। दूतावास पर्टिकुलर जहाँ राजदूत रहता है, और दूतावास एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि पर्टिकुलर उस देश का उस क्षेत्र होता है जिस देश का वो राजदूत हो। जैसे एक समझते हैं, कोई भारतीय व्यक्ति को यूएसए में भारत का राजदूत बनाकर भेजा जाए, ठीक है, दूतावास होना है किसी भी देश की राजधानी। इंडिया में सारे राजदूत कहाँ बने हुए, कहाँ बने, नई दिल्ली में कहाँ बने, नोएडा में, हाँ पूरा अलग बना हुआ है राजदूत का, पूरा एक अलग ही एरिया, दूतावास अलग ही है। चाणक्यपुरी सुना है ना, चाणक्यपुरी में आपके जो है दूतावास जो है आपके सारे वहां पे बनते हैं। अब देखिए राजदूत करता क्या है, राजदूत आपके देश का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, उस देश में जाके वो काम क्या करता है, भारत के लिए कूटनीतिक वार्तालाप, भारत के लिए कूटनीतिक वार्तालाप करता है। अब यहाँ पर ये बताइए कूटनीतिक वार्तालाप क्या होता है, अपने राष्ट्र के हित को पहले रखना, ये तो राष्ट्रीय हित हो गया, तो कूटनीतिक लाभ क्या हो, कूटनीतिक वार्तालाप, कूटनीति होती क्या है, सही होगा उनकी नीतियों को बदलना, उनकी चाल को विफल, शतरंज खेल रहे हैं वहां बैठ के, हम शतरंज नहीं खेल रहे होते। लेकिन देखो आप कुछ समझ रहे हैं, बस उसको समझा नहीं पा रहे। कूटनीतिक वार्तालाप का होता है एक व्यक्ति जो कि आपका राजदूत है उस देश के साथ, उसको नियुक्त किया गया है अधिकारियों से, प्रशासकों से, गणमान्य व्यक्तियों से, बिजनेसमैन से, या फिर वहां पर किसी भी सांस्कृतिक तत्वों के साथ वार्तालाप करता है। वार्तालाप करता है अपने देश का उस देश के साथ इतर संबंधों को विकसित करने के लिए क्या पक्ष हो सकते हैं, उन पक्षों के में एक संधि या समझौते की ओर लेकर बढ़ना। भारत और अमेरिका का हाल में हुआ एक समझौता, बेका समझौता हुआ। ये समझौते होते कैसे, अचानक से आता है कोई राष्ट्रपति, आता है समझौते करके चला जाता है। तो इनके समझौते की जो ये प्रविधियां होती हैं, लास्ट में हमको पढ़ने को मिलता है कि इस पॉइंट को लेकर यहाँ यहाँ समझौते हुए, इसमें ये चीजें शामिल हुई। तो ये शामिल जो चीज हुई, जो मसौदा तैयार हुआ, वो तैयार कौन करता है, यही कूटनीतिक वार्ता के दौरान जो राजदूत होते हैं, गणमान अधिकारी होते हैं, सचिव इत्यादि होते हैं, वो मिल करके पहले ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, बातचीत करते हैं, और जिन पक्षों पर दोनों की आम सहमति बनती है उस समझौते को प्रारूप में उन पॉइंट को ऐड करते हैं। और लास्ट आपके जो प्रतिनिधि, आपके देश के जो प्रसर प्रमुख प्रतिनिधि होंगे, वो जाकर सिर्फ हस्ताक्षर कर देते हैं।
तो राजदूत जो मूलतः होते कूटनीतिक वार्ता को तैयार करते हैं, एक मंच तैयार करते हैं, एक पृष्ठभूमि आपकी पूरी तैयार करते हैं कि किसी भी दो देशों के मध्य जो संबंध हैं वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, हम यहाँ पर किन किन पक्षों में एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी समझौते हैं, कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जहां पर दोनों देश एक दूसरे के बहुत विरोधी होते हैं, तो वहां पर कूटनीतिक तौर पर हम ये भी प्रयास करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति देश को किस तरीके से हम अपने पक्ष में कर सकते हैं और उसको उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं। तो वहां पर एक मुद्दा आता है जिसमें हम काम करते हैं, जो मुद्दा हमें चर्चा का परस्पर हित, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं, और म्यूचुअल इंटरेस्ट का जब दोनों का होगा, दोनों को लाभ प्राप्त होगा तभी होगा। कोई ऐसा समझौता देखने मिलता है जहां पर एक देश वहां पर लाभ में हो दूसरा देश नुकसान में हो, नहीं होता है। कब होता है ऐसी स्थिति में? इतिहास पढ़ते हैं, उसमें कई सारे युद्ध हुए, युद्ध के पश्चात जो देश जीतता है, जो पक्ष जीतता है, वहां पर वो अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, संधि साइन करता है, उसमें कुछ क्षेत्रों को लेगा, उनके कुछ राजाओं को हटा देगा, किसी दूसरे को बैठा देता है, या फिर कर राजस्व वसूल करना शुरू कर देता है, अपनी कोई सेना उनके क्षेत्र में रहता है। तो क्या हुआ वहां पे, सामने जो हार गया उसको कोई फायदा नहीं हुआ, तो कोई परस्पर हित वाला काम नहीं होता। लेकिन इस समय क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध में स्वतंत्रता के पश्चात साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रक्रिया के समापन के पश्चात जो देश है वो पूर्णतः स्वतंत्र है और अपने अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं। हम जो भी पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध में वहां पर ये शब्द बार बार आएगा, क्या आएगा? राष्ट्र हित। जो भी काम हम किस संदर्भ से करेंगे, राष्ट्र हित को सर्वोप्रमुख स्थिति रखती है। हम बात करेंगे, वार्तालाप आपसे करेंगे, वो किस आधार पर? पहले राष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्र और राष्ट्र, और अपने राष्ट्र को हम पहले प्राथमिकता देंगे। एक चीज और इसमें आती है, राष्ट्र बनाम अंतरराष्ट्रीयतावाद या अंतरराष्ट्रवाद, दोनों में डिफरेंस क्या है? राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद अंतर क्या है? नहीं पता? हाँ जी, आप बताइए। अपने राष्ट्र के लिए बात करता हूँ, राष्ट्रवाद कहलाएगा, ठीक है, और राष्ट्रवाद क्या कहलाएगा फिर? अगर एक होता, एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि एक होगा तो हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, हम दो शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। आपस में चर्चा कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ चीजें बता दूं जो कि आपके आईआर का एक विषय वस्तु है। इसमें मूल से हमने आपको डिस्कस कर दिया था, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पे कर दूं, क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक डिटेल स्वरूप होगा और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
चलिए तो पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की इस पहली क्लास में आज समझ लेते हैं कि आपकी जो विषय वस्तु की ये प्रारंभ होगी, हम यहाँ पर क्या क्या विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। वैसे वो जो पहली क्लास जो इंट्रोडक्शन हुई थी, हमने एक चर्चा करनी थी आपके सिलेबस में मूलतः बातें क्या हैं और किन किन पक्षों को चर्चा हमें करनी है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल वाइज आपको समझा देता हूँ यहाँ को आपको पढ़ना क्या। हमारी जो पहली क्लास अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहली चीज अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो भी चर्चा परिचर्चा होगी वहाँ पर उससे पहले हमें पढ़ना ये है कि हमारी विदेश नीति क्या है, विदेश नीति होती क्या है, अवधारणा इसकी क्या होती है, इसके निर्धारक तत्व क्या क्या होते हैं, इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, इसके चुनौतियाँ क्या हैं और महत्वपूर्ण कुछ विषयों की चर्चा, अर्थात विदेश नीति के अंतर्गत हम ऐसे 5-6 बिंदुओं को पढ़ें। इसके बाद हम इंटर करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अब यहाँ पर इसके बारे में आपने भूगोल में पढ़ा होगा, है ना? तो चलिए बताइए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और नाम क्या हैं उनके। हो गए? हाँ जी, सारे हो गए? नेपाल रह गया, बताया उन्होंने, म्यांमार बता दिया, श्रीलंका रह गया, श्रीलंका आपने बता दिया, और कुछ? श्रीलंका नीचे आएगा, पड़ोसी वो भी कहलाएगा, मालदीव भी कहलाएगा। तो आपके लक्षद्वीप कोई देश नहीं है, भारत का हिस्सा है, क्या है, द्वीप है हमारा, क्या, द्वीपों का एक समूह लक्षद्वीप, ठीक है। तो सबसे पहली चीज भारत के पड़ोसी देश, अब पड़ोसी देश दो तरीके के पड़ोसी आते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं स्थलीय, दूसरा होगा सागरीय। सागरीय में कितने आते हैं, दो, कौन कौन से, श्रीलंका और दूसरा अफगानिस्तान, कौन, अफगानिस्तान कौन बोला, बांग्लादेश, दूसरा कौन सा है यहाँ पे, सागरी कहने का मतलब जो पूरी तरफ से सागर में ही है, जो भारत स्थल रूप से नहीं जुड़ता है उसकी बात कर रहे हैं, तो मालदीव, ये कितने, दो, ठीक है। तो सागरी कितने हैं आपके, दो। स्थलीय की बात, कितने पड़ोसी हैं, भारत के कितने देशों से स्थलीय सीमाएं लगती हैं, 7 देशों के साथ लगती हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। श्रीलंका की स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है, कंफर्म, तो कितने हो गए आपके, 7। तो टोटल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 9। तो पड़ोसी देशों के अंतर्गत कितने लोगों को पढ़ना है, हमें 9 देशों को पढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो हम यहीं रुक नहीं जाते हैं, ये आता है, ये हो गए कौन से देश, कहाँ पे आएंगे भूगोल में, किसको पढ़ते हैं हम महाद्वीपों के अंतर्गत, एशिया, और ये भारत और उसके जो पड़ोसी देश है वो किसके अंतर्गत आते हैं, एशिया के किस पार्ट में आते हैं, दक्षिण एशिया में आते हैं। अब यहीं पर इसका विस्तार होता है, किसका विस्तार होगा, एशिया का विस्तार होगा, और हम यहाँ पर पढ़ने बैठ जाते हैं इसके विस्तार में, इसके 3 पार्ट कर लीजिए। एक होता है जिसको हम कहेंगे पूर्वी एशिया, फिर उसमें आ जाती है आपकी पूर्वोन्मुखी नीति भी आएगी, पूर्वी एशिया आ गया। दूसरा यहां पर अभी हाल फिलहाल काफी ज्यादा चीजें गहमा गहमी देखने को मिली पश्चिम एशिया, ईरान को लेकर हो गया, सऊदी अरब को लेकर हो गया, कुवैत के साथ हो गया, संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध हो गए, वो हाल फिलहाल बहुत तेजी से डेवलप है पिछले 1-2 साल के दौरान। और तीसरा इसमें दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें आपका आसियान समिट होता है, आपके ब्रिक्स हो जाते हैं, आपके एससीओ समिट तो आपको ऊपर है, लेकिन दक्षिण एशिया के साथ जो आपके संबंध है, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गए, तो वहाँ पर बिम्स्टेक, सार्क और साथ ही साथ आसियान, ये 3 इंपॉर्टेंट है और उनके देशों के साथ संबंध। तो यहाँ पर जो विस्तार करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे और इनके साथ साथ क्या करेंगे, इन 3 समूहों के अंतर्गत आने वाले देश और उनके साथ संबंधों की स्थिति को हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जगह, कहें हम यहाँ पर अगर संगठन, चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं, बाद में दूसरे देशों की बात करेंगे। अब संगठन में कौन कौन से आ जाते हैं, ऐसे संगठन जो कि बहुपक्षीय आधार से कई सारे देश जुड़े हुए हैं, जैसे यूएनओ हो गया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया आपका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद आपका इसी तरीके से इसमें
WTO हो गया, WHO हो गए, यूनेस्को हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ क्या है, कुछ क्षेत्रीय संगठनों के बारे में भी पढ़ेंगे। क्षेत्रीय संगठन के तौर पर जैसे कि आपका SCO हो गया, आपका ब्रिक्स हो गया, ठीक है, G20 हो, जैसे देश हो गए आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जैसे क्षेत्रीय की बात करें सिर्फ इसमें 20 देश आते हैं इसलिए इसमें रखेंगे, लेकिन हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ विकसित देशों के साथ संबंध पड़ेंगे जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, कुछ ऐसे देश भी इसमें आएंगे। अब एक चीज इसमें समझना है, हम यहां पर अगर इन सब को बहुत विस्तार से पढ़ें तो IR क्या हो जाएगा, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा कि आप साल भर पढ़ते रहिए, बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बच जाते हैं आपके प्रवासी भारतीय, और प्रवासी भारतीय का मतलब हुआ ऐसा कोई भी देश नहीं बचा होगा जहां पर हम जाकर बसे ना हो। तो प्रवासी भारतीयों में हम सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रवासी भारतीयों का विस्तार हुआ है, किस तरीके से उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है, महत्ता बढ़ी है, और किस तरीके से वो भारतीय दृष्टिकोण से वो लाभ पहुंचाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी क्या भूमिका है, आर्थिक परिदृश्य से वो कितने इम्पोर्टेंस हैं, कूटनीतिक पहलों में उनकी क्या भूमिका है, दूसरे देशों की राजनीति में उनकी क्या इम्पोर्टेंस। जैसे हाल फिलहाल अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है USA का। USA के चुनाव में वहाँ पर कई सारे जो प्रतिनिधि, यहाँ की कमला हैरिस को ही ले लीजिए, भारतीय मूल की हैं, उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं, और दूसरी चीज वो है पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। तो एक इम्पॉर्टेंस, ये प्रवासी जो भारतीय है इसके संदर्भ से हमें इन्हें देखना है। तो आपका पूरा का जो पूरा सिलेबस है अगर हम IR की बात करें तो ये इतना सब कुछ हमें पढ़ना है। और आज शुरुआत है, शुरुआत हमने किसी है सिर्फ आपको बताया है पढ़ना क्या है, अब इनको एक एक करके पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आज अपना पहला टॉपिक लेंगे और वो क्या है, विदेश नीति। अब विदेश नीति सबसे ज़रूरी जो पहलू है यहाँ पर इसे समझना, क्योंकि अगर आप ये समझ ले गए तो आगे जितने भी हमारे संबंध जिसके साथ ही बनेंगे वो ये क्या देगा, ये उनको बेस प्रदान करेगा, ठीक है, कि हम अमेरिका के साथ जो संबंध बना रहे हैं उसकी अपनी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी विदेश नीति में अमेरिका किस संदर्भ से देखा जाता है, उसकी क्या अपनी वहाँ पर इम्पोर्टेंस देखी जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि विदेश नीति की अवधारणा क्या, हम विदेश नीति कहते हैं। जब आप विदेश नीति पढ़ते हैं तो इसमें उससे भी पहले कुछ शब्द आएंगे जिसको हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो विदेश नीति पढ़ने से पहले हम पढ़ते किसके अंतर्गत हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत, तो ये क्या होती है। फिर उसमें हम पाते हैं कि भाई विदेश नीति पढ़ना है उसका तात्पर्य समझेंगे। विदेश नीति में एक शब्द आता है कूटनीति, कूटनीति का क्या मतलब होता है। फिर इसके साथ साथ इसके निर्धारक तत्वों की भूमिका पढ़ेंगे, निर्धारक तत्वों के साथ साथ हम यहाँ पर भारतीय विदेश नीति के विभिन्न चरण पढ़ेंगे। भारतीय विदेश नीति जब आप पढ़ते हैं तो इसके कई सारे चरण, मूलतः अगर हम इसको बड़े शब्दों में डिवाइड करने को देखें तो इसको आप 4 से 5 अलग अलग चरणों में पढ़ेंगे। पहला 1947 से लेकर के 1962 का प्रथम चरण इसे हम कह सकते हैं। दूसरा जो चरण शुरू होता है 1962 से लेकर के 1991 तक की स्थिति। तीसरा चरण जो होगा 1991 से लेकर के 2014 तक की स्थिति। और चौथा जो चरण है जो वर्तमान में चल रहा है 2014 से वर्तमान की स्थिति। इस स्थिति में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं इसलिए इसे हमने अलग कालक्रम में डाल दिया है। इंडिया की गवर्नमेंट बनने के बाद भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कह सकते हैं क्रियाशीलता देखने को मिली है जो कि इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। इसमें बहुत सारे ऐसे संबंध बने जो कि पहले कभी नहीं थे। कुछ ऐसे क्षेत्रों में हमने वहाँ पर कह सकते हैं उसको क्रैक किया है जो कि पहले हमारे प्रतिरोधी थे, उनको भी हमने अपने पक्ष में लेकर आए। तो ये जो समयकाल होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2014 से 19, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू ही ये बनेगा क्योंकि मूलतः जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो इस दौरान के सबसे ज़्यादा IR में बनते हैं। हम मैंने पहले भी कहा था, पहली क्लास में भी कहा था कि IR मूलतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कब से पूछे जाएंगे, वर्तमान की स्थितियों से ज़्यादा बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पर
फिल्म को अंतिम चैप्टर को देखें, शुरुआत के चरणों को ना देखें। ये तभी समझ में आएगा जब आप ऊपर के चरणों को देखते आएंगे। अब इस विदेश नीति के अलग अलग चरणों में हमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी और कुछ उपलब्धियां भी देखने को मिलेंगी, और इसके साथ साथ हम कुछ विषयों को अलग से पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इस विदेश नीति। तो महत्वपूर्ण विषय क्या हैं, इन विषयों के अंतर्गत कुछ चीज़ों को लेकर लगातार आपके विदेश नीति में पूछा जाता है, जिसमें आपका पंचशील हो गए, गुट निरपेक्ष हो गया, इसी तरीके से परमाणु निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको हम अलग से भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनकी भारतीय विदेश में क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द सारी जो होती है रचनाएं रची गई हैं, जो भी डेवलपमेंट है इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज अवधारणा, और अवधारणा में भी सबसे पहले क्या समझना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो मूलतः अगर एक परिभाषा के तौर पर कभी आपको लिखना हो, समझना हो, किसी ने पूछ लिया आपको बताना हो, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है, कि मूल रूप से आप क्या कहेंगे, किन्हीं भी दो या दो से अधिक देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के मध्य आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मुद्दों को लेकर के एक आपसी विचार विमर्श को लेकर किए गए समझौते या संधियों को लेकर जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक रूपरेखा। इसकी अपनी दो इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर कोई भी देश जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रवेश करता है तो राष्ट्र हित को सर्वप्रमुख रखता है, और राष्ट्र हित को साधने के लिए हर देश स्थापित करता है अपनी एक विदेश नीति। विदेश नीति को संचालित जो करता है एक कंपनी का, जैसे हम बात करें कंपनी को एक फाउंडर होगा, एक कंपनी का एक फाउंडर होगा और एक होता है सीईओ। सारा जो काम मैनेज करता है वो कौन करता है, सीईओ करता है। जो फाउंडर होता है वो सिर्फ कंपनी को डाल देता है, अलग अलग लोग नियुक्त कर देता है, उनको जॉब पर रखता है और वो सारा उसका काम करते हैं। विदेश नीति भी कुछ ऐसा ही है। विदेश नीति एक बड़ा पहलू है जिसके अंतर्गत जो सारी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं वो होती हैं किसके अंतर्गत, कूटनीति के अंतर्गत। अर्थात कह सकते हैं कि विदेश नीति के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा अलग अलग देशों के साथ किस प्रकार के संधि समझौते होंगे, किसके साथ संबंधों को बेहतर किया जाएगा, किन पक्षों को लेकर काम किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को जो क्रियाकलाप वार्ता संभव होती है, जो समझौते संभव होते हैं, जो संधियां वह होती हैं, वो किसके माध्यम से होती हैं, कूटनीति के माध्यम से। तो मूलतः फिर कूटनीति को समझने में आसान हो गया कि कूटनीति क्या है, एक कार्यकारी समूह है, और कार्यकारी समूह क्या करता है, अलग अलग देशों के अपने समकक्षों के साथ वार्तालाप करता है कि हमारे देश और आपके देश के मध्य किन किन बिंदुओं पर एक सहयोग स्थापित किया जा सकता है। इसमें भी हम कूटनीति में भी किसको प्राथमिकता देते हैं, राष्ट्र, और राष्ट्र के संदर्भ में हम यहां पर कुछ चीजों को प्राथमिकता देंगे। इसमें सुरक्षा, सुरक्षा क्यों जरूरी है, किसी भी देश को अपनी संप्रभुता, अपने लोगों की सुरक्षा, अपनी भौगोलिक सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ आयुध, सैन्य सामान, उसका आधुनिकीकरण, युद्धपोत इत्यादि सारी चीजें चाहिए होंगी। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कूटनीतिक तौर पर तो किसी भी देश के साथ सुरक्षा को लेकर एक संबंध बनता है जिसको हम कहते हैं सामरिक संबंध। ठीक है, कैसा संबंध बनता है, सामरिक संबंध, इसी को कहते हैं हम यहाँ पर आगे चलकर, इसे कई लोग इसे कहते हैं भू रणनीतिक संबंध। एक और शब्द आ गया। कुल मिलाकर मैं आपको कहाँ पर, आपको सब बताकर भी आपको ऐदलास फंसा सकता हूं शब्दों के जाल। मैंने आपको सब बताकर अगर ये ना बताऊं कि इसको कहते हैं भू रणनीतिक संबंध, और आपको अगली क्लास में आपको जब लिखाना शुरू करूं मैं वहां पर लिख दूं भू रणनीतिक संबंध, तो आपके सामने समस्या क्या है, किसका मतलब क्या है,
आपको अगर ये समझ में आ जाए कि शब्दों का मतलब क्या है, तो आप कहाँ पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वो आपके लिए आसान हो जाता है। एक चीज़ को और समझिएगा, शब्दों पर इतना ध्यान क्यों देना चाहिए, क्योंकि हर एक विषय वस्तु की, पाठ्यक्रम की, पाठ्य वस्तु की जो विशेषता है वो उसकी भाषा और शैली। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सब कुछ सही होने के बावजूद जो इसके शब्द हैं वो कई बार आपको परेशान कर सकते हैं। तो भू रणनीतिक संबंध समझ में आ गया। भू रणनीतिक संबंध के अंतर्गत क्या करते हैं, किसी भी दो देशों के मध्य सुरक्षा के संबंधों को लेकर, सुरक्षा समझौतों को लेकर, अब सुरक्षा समझौते क्या आ गए, उनके देश की सेना को लेकर, उनके आधुनिकीकरण को लेकर, युद्धपोत इत्यादि को लेकर, तकनीकों के हस्तांतरण को लेकर जो भी समझौते किए गए हैं वो क्या कहलाएंगे आपके, भू रणनीतिक संबंध। तो एक तो हो गया सुरक्षा, दूसरी यहां पर आती है राजनीति, लेकिन यहां पे हम इसको राजनीति नहीं कहते, हम इसको कहते हैं भू राजनीति। तो क्या कहेंगे, भू राजनीति। भू में एक चीज क्या है, भू का मतलब हुआ भौगोलिक। जब किसी भी देश के सीमाओं जो कि आपके कह सकते हैं भूभाग है, उसमें पॉलिटिकल एंगल के तहत अपने राष्ट्र के विशेष तौर पर लाभ के संदर्भ से किसी प्रकार का कोई वार्तालाप हो, समझौता हो, तो वहां पर क्या होता है, जब भौगोलिक प्रदेश को राजनीतिक वार्तालाप में इंपॉर्टेंस मिलने लगती है तो उसको क्या कहते हैं, भू राजनीति। भारत के दृष्टिकोण से देखिए, भारत का जो भूगोल है, भारत का जो मैप है, भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, उसकी क्या अपनी इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझ में आ जाएगा। भारत का किस अक्षांश में है, दक्षिण या उत्तरी, उत्तरी में भी है दक्षिणी में भी है, कि उत्तरी में है कि दक्षिणी में है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है। दूसरी चीज, भारत का जो परिस्थिति है वो एक तरफ एशिया है, दूसरी तरफ अफ्रीका है, तीसरी तरफ यूरोप से भी वो जाकर रास्ता प्रदान करता है। अब ऐसे क्षेत्र के साथ यदि आपको राजनीतिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, आपके सामरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो वो क्या है कि एक तरफ वो आपको एशिया के साथ व्यापार करने का मार्ग खोल सकता है, दूसरी तरफ अफ्रीका के साथ बेहतर संबंधों को प्रगाढ़ कर सकता है, और तीसरा यूरोपीय देशों के साथ भी आपके संबंधों को विकसित कर सकता है। भारत के संदर्भ से बताइए, भारत का जो भूगोल का दो स्वरूप देखिए, उसका उत्तर और दक्षिणी हिस्सा। उत्तरी हिस्से में क्या है, हिमालय है, दक्षिणी हिस्से में क्या है, हिंद महासागर है। हिमालय उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो हिमालय क्या करता है, चीन जैसे देशों के खिलाफ उसके लिए क्या है, एक सुरक्षा प्रहरी है, जहां इतना आसान नहीं है कि भारत पर आक्रमण करना और उसको विजित करना या उसको परेशान करना। दूसरी चीज, सागरीय जो स्थिति है, सागर के हिसाब से आर्थिक दृष्टिकोण इंपॉर्टेंस है। आज का 90% जो व्यापार होता है वो किस माध्यम से होता है, सागर के माध्यम से। और इस दृष्टिकोण से भारत के लिए पूर्वी देशों के साथ जुड़ना हो, अफ्रीका के साथ जुड़ना हो, या अरब प्रायद्वीप होते हुए यूरोप तक जाना हो, उसके लिए क्या आसान है, सागरी पहुंच उसकी है, और बहुत बड़ी सागरी सीमा है। तो यहां पर उसकी जो भू राजनीति होगी वो किस पर आधारित होगी, भारत के भौगोलिक स्वरूप पर आधारित होगी। भारत अपने संबंध किसके साथ अच्छे करने की कोशिश करेगा, उस अपने भौगोलिक स्वरूप के हिसाब से जो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसके साथ भारत देखेगा एक संबंध बहुत अच्छे बनाने की कोशिश करता है। जैसे अभी हाल फिलहाल अगर आप देखें, आसियान के साथ भारत के संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करता है, अफ्रीका को वो तरजीह देता है, यूरोपीय देश और अमेरिका उसके लिए लगातार सबसे ज्यादा अपनी वस्तुओं का निर्यात जो करता है, सेवाओं का निर्यात करता है, वो इन देशों को करता है। क्यों करता है, क्योंकि भारत के पास सस्ता श्रम है, बड़ी जनसंख्या है, बड़ा मार्केट है, अच्छी पहुंच है, और इन सारी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए वो किसका सहारा लेता है, अपनी भू राजनीतिक पॉलिसीज का, अपनी विदेश नीति का। इसके बाद सुरक्षा हो गई, भू राजनीति हो गई, तीसरा यहां पर आता है आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण देखिए, भारत के लिए मैंने पहले भी कहा था कि भारत अपने आप में सभी देशों के लिए सबसे ज्यादा जो होता है इस समय आकर्षक बाजार है। आकर्षक किस लिए है, आकर्षक दो कारणों से। पहला, भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। क्या है, उपभोक्ता बाजार है। दूसरा, चाइना में हाल फिलहाल की जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं,
वो दूसरे देशों की कंपनियों के लिए थोड़ी सी अस्पष्ट हुई, थोड़ा सा विदेशी जो प्रेशर है वो ज़्यादा उन पर हुआ है, लोग पलायन कर रहे हैं, और उस पलायन के कारण भी भारत यहाँ पर सबसे अच्छी जगह है उसके बाद, जहाँ पर वो एक निवेश कर सकते हैं। भारत के पास अपनी एक स्थायी सरकार है जो पिछली बार भी और इस बार भी यहाँ पर स्थित है। दूसरा, तीसरा, भारत के सरकार के विपक्ष जो है वो बहुत अच्छा नहीं है कि इन फ्यूचर वो परिवर्तित हो सकती। व्यापार हमेशा कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिंग, अर्थात कि आज मैं जो निवेश कर रहा हूँ मुझे 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल बाद मुझे कितना मुनाफा हो सकता है, और वो इस लॉन्ग लास्टिंग निवेश कब करते हैं, जब वहाँ की सरकार में स्थिरता हो, अराजकता नहीं हो, कानून व्यवस्था हो, पारदर्शिता हो, लाल फीताशाही भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं कम हो, प्रतिस्पर्धा अच्छी हो, एक अच्छा उपभोक्ता बाजार हो। जब ये सारी चीज़ें उपस्थित होंगी तभी कोई भी जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपके यहाँ क्या करेंगी, निवेश करेंगी। तो भारत क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी क्या है, यहाँ पर सक्षम है कि यहाँ पर आपको आकर्षित करने के दृष्टिकोण से। तो कूटनीतिक तौर पर अगर हम बात करें, सुरक्षा, राजनीति और आर्थिक, ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आती है कूटनीति के संदर्भ में, जहाँ पर कुछ अन्य पहलुओं पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक देश आपके लिए राजनीति के दृष्टिकोण से और अर्थ के दृष्टिकोण से ज़रूरी नहीं हो सकता है, सामरिक दृष्टिकोण से ज़रूरी नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसे देशों के साथ किसी प्रकार के द्विपक्षीय संबंधों को नहीं बनाना चाहिए? क्या ऐसे भी कोई देश होते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो और आप उनके साथ संबंध बनाना चाहें? मोस्टली ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनकी अपनी कुछ भी वहाँ पर आपको रिटर्न नहीं दे सकता है, लेकिन आप उसको लाभ प्रदान कर सकते हैं। भूटान को देखें, चलिए भूटान की बात करते हैं। भूटान क्या है, आपके लिए एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब समझते हैं, क्या होता है बफर स्टेट? जो दो बड़े स्टेट्स के बीच में एक कह सकते हैं कि उनके बीच अलगाव की स्थिति या उनके बीच शांति की स्थिति या उनके पास किसी प्रकार की विवाद की स्थिति होने से रोक रहा हो, उनके बीच एक कह सकते हैं कि डिफरेंस दिखाता हो, वो आपका बफर स्टेट है। भारत के ऐसे दो बफर स्टेट हैं, कौन कौन से? नेपाल और भूटान। दोनों भारत और चाइना के मध्य स्थित हैं, पहाड़ियों पर स्थित हैं, और दोनों ही क्या हैं, बफर स्टेट हैं। अच्छा, आप देखिए भूटान से आपको क्या मिलता है, बिजली, क्योंकि भूटान क्या है, जल विद्युत के संदर्भ में वहाँ पर एशिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सक्षम है, तो वहाँ पर वो आपको रिटर्न करता है, लेकिन उतना नहीं रिटर्न कर सकता जितना आप उसे मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन रणनीतिक तौर से भूटान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाइना को रोकने के लिए भूटान की जो इम्पोर्टेंस है वो आपके भूटान नेपाल के अन्य किसी भी देश से कहीं ज़्यादा है, और इसलिए भारत उनको लाइन ऑफ क्रेडिट भी देता है, रुपए कार्ड वहाँ पे जारी करता है, उनको बजटीय सहायता प्रदान करता है, उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करता है, निर्माण कार्य करता है, सब कुछ भारत करता है, यहाँ तक कि उनकी विदेश नीति के निर्धारण में भी भारत का प्रमुख रूप होता है। इसके बाद कुछ ऐसे देश हैं जैसे कंबोडिया इत्यादि को ले लीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया आसियान के सदस्य के रूप में आते हैं, भारत के संदर्भ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पर नहीं रखते हैं, लेकिन आसियान के एक संगठन के रूप में उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो उन देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? वहाँ पर रणनीतिक और आर्थिक की बजाय सांस्कृतिक संबंधों, सामाजिक संबंधों को प्रधानता दी जाती है। सांस्कृतिक के अंतर्गत क्या आता है कि आपके इतिहास, कला, संस्कृति, जीवन शैली, लोगों का मेलजोल, पर्यटन इत्यादि को वहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भू सांस्कृतिक पक्षों को भी यहाँ पर प्रधानता दी जाती है, किसके अंतर्गत, इसी में आपको, तो भू सांस्कृतिक पक्षों को भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। एक पक्ष और आता है कोई, जिसको आप कहते हैं भू मनोवैज्ञानिक। तो साइकोलॉजिकल स्थिति आप अगर कहना चाह रहे हैं, मनोविज्ञान आप कहते हैं, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या कहता है, भावनाओं, भावनाएं, विचार, भावनाएं और विचार कैसे जो एक दूसरे के साथ वहां पर क्या हुआ, साझा कर सके। जैसे कि आपके अपने ही ग्रुप में या आप जिनसे भी मिलते हैं, जब आप
हजारों लोगों से तो अब तक मिल चुके होंगे अपनी पूरी जीवन शैली में अभी तक, और अभी ऐसे पता नहीं कितने लोगों से मिलेंगे। जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान क्या लगता है कि सामने वाला किस प्रकार की सोच रखता है, क्या विचार हैं, किसी विषय वस्तु को लेकर उसके थॉट्स आपके थॉट्स के अनुसार हैं या डिफरेंस हैं। अगर डिफरेंसेस होते हैं वाद विवाद बढ़ता है, और यदि समानताएं होते हैं तो सहयोग बढ़ता है। यही होता है। मित्र आपके कौन होते हैं? आप मित्र का चुनाव कैसे करते हैं? चलिए अच्छा बताइए, आप एक मित्र किसे बनाएंगे? जिसकी सोच आपसे मिलती है, और कुछ विचार सोच मिलती है, बस इतना काफी है। क्यों भी कुछ चाहिए होता है दोस्तों से? मैं कौन सा कह रहा हूँ, पैसे वैसे के लेकर दोस्त बनाते हैं वो तो सेकेंडरी है, जब आप दोस्त बन जाते हैं तो वहां तो सब कुछ चलता है। लेकिन हम पहले ही किसी के पास पैसे को लेकर तो नहीं बैठते हैं ना। फर्स्ट इंप्रेशन के थ्रू हम किसी के साथ जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है? नेचर। और नेचर क्या है? उसके बोलने का तरीका, आपके बातों को सुनने का तरीका, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, मैच करती है आपके साथ नहीं करती है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाला नहीं है। अगर आप शो ऑफ करते हैं वो भी करता है तब तो ठीक है, आप करते हैं वो नहीं करता है तो आपको पसंद नहीं आएगा। आप उसकी क्या करेंगे? हर्षना करेंगे, मतलब कि आलोचना करेंगे। अरे कैसा आदमी, ऐसे क्या कोई करता है क्या? कुछ ज़्यादा ही दिखाता है। किसी के पास पैसा हो गया तो बहुत ज़्यादा खर्च करता है तो हम क्या कहते हैं? अरे बड़ा पैसे वाला होगा, समझ में है नहीं, जिसके पास होता है उसको। तो यहाँ पर क्या है, जो गरीब है वो उसके पास कभी नहीं जाएगा, उससे दोस्ती होगी? मोस्टली नहीं होती, लेकिन समटाइम रेयर केसेस होते हैं जहाँ हो जाती है। लेकिन उसमें भी पैसा नहीं होता है, उसमें भी नेचर होता है। समटाइम आपके पास पैसा है लेकिन नेचर आपका जैसा है, वो बहुत गरीब व्यक्ति का उसका भी नेचर आपके जैसा हो। तो मोस्टली क्या है, मनोविज्ञान क्या है, भावनाओं विचारों का समावेश। और भावनाएं विचारें जो होते हैं जब तक आपके साझाकरण होते हैं, बातचीत करते हैं, उसके माध्यम से होता है, बात संवाद होता है, कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे ही चीज़ों का आयोजन करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वेबिनार आयोजित किए जाते हैं और वर्तमान समय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद यदि लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं तो वो चीज़ें फिर क्या होती हैं, अन्य पहलुओं की ओर हम बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कूटनीतिक स्तर पर हम किन किन पक्षों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं? भू मनोवैज्ञानिक, भू सांस्कृतिक, भू रणनीतिक, या इसको हम भू सामरिक भी कह सकते हैं, भू राजनीतिक, भू आर्थिक, इतने पहलुओं को हम लेकर यहाँ पर कूटनीति में काम करते हैं। और कूटनीति किसके अंतर्गत संचालित होती है? विदेश नीति। और विदेश नीति किस पक्ष में आएगी? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कि विदेश नीति भारत में ही अप्लाई करोगे? भारत में कौन सी नीति चलेगी? यदि भारत के अंदर कुछ करना हो तो राष्ट्रनीति, राजनीति, नीति आयोग। बढ़िया है। जब भारत के अंतर्गत कोई भी चीज होगी तो उसके लिए गृह मंत्रालय और गृह नीति होती है, ठीक है, जो भारत के आंतरिक मामलों को देखने का कार्य करती है, ठीक है। तो गृह एवं आंतरिक मामले, वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने के लिए वो अलग ही विभाग है, वो सारा कुछ देखता है। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो वहाँ विदेश विभाग है, विदेश मंत्रालय है, और वो फिर इन पक्षों को ध्यान में रखकर कार्य करना शुरू करता है। समझ में आ गया? लिखने की जरूरत आ गया ना, कल फिर पूछा जाएगा। चलो भाई, जिसको अगर पूछना लिखना हो तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और फिर कल, अगर कल मत कहिएगा सर लिखाना था भाई, ऑफलाइन में कोई, लाइव ऑफलाइन में कोई है किसी को ये सारे पक्ष अच्छे समझ में आ गए हैं, एग्जांपल वाइज आप वहाँ पर इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो बताएं, हम फिर आगे बढ़ते हैं। विदेश नीति के अलग पक्षों के निर्धारित तत्वों की चर्चा करते हैं, भारत के पक्षों की चर्चा करते हैं, और यदि लिखना है तो बताइए तो हम दो दो लाइन लिखा भी देते हैं। बेसिक है लिख लेते हैं, फिर खोलिए पेजेस और हेडिंग डालिए, पहला चैप्टर का नाम डालिए और पेन उठाइए और अपने हाथों को थोड़ा सा मेहनत करवाइए, दिमाग ने बहुत कर ली।
चलिए पहला चैप्टर डाल लीजिए। देखिए ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या नोट डाउन कर लीजिएगा, ये तो चाहे आप स्क्रीन शॉट लेकर लिख लीजिएगा या फोटो क्लिक कर लीजिएगा। ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर कोई आपके जो नोट्स बनेंगे वो बहुत प्रॉपर बने होने चाहिए। कहने का मतलब मैं बहुत सारी ऐसी ग्राफिंग आपकी बनती रहेंगी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, इन सबको नोट कर लीजिएगा। एट द लास्ट आपको रिवीजन के समय एक सिस्टम पता होगा मुझे क्या पढ़ना है और किसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये आप एट द लास्ट क्योंकि रिवीजन के शॉर्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं और उसके बाद में आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिएगा आपके पूरे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंतर्गत आनी है, क्या क्या पढ़ना है। इसकी ये आपके फ्रंट पेज पहला पेज अपने नोट्स में छोड़ दीजिएगा और वहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे। मैं किसी भी दिन किसी भी के नोट्स मंगा कर चेकआउट करूँगा कि नोट्स कैसे बना रहे हो आप लोग। उसके बाद सेकेंड पेज ओपन करिए और सेकेंड पेज में आप पहला वहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा भारत की विदेश नीति पहला चैप्टर। फोटो नहीं क्लिक कर पाए, सेल्फी हज़ारों अब तक ले लिए होते हैं, एक फ़ोटो यहाँ पे स्क्रीन पर नहीं टिक क्लिक हो रही है, ये आ रहा है। चलो तो बाकी लोगों से ले लीजिएगा जो लोग फ्रंट पे। चलिए विदेश नीति की बात करते हैं, है ना। विदेश नीति लिख लिया। अब विदेश नीति में हमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा अवधारणा। लिखेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दो या दो से अधिक देशों के मध्य परस्पर विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, तौर पर एक दूसरे पर निर्भरता के तौर पर एक दूसरे पर निर्भरता ही IR है, इंटरनेशनल रिलेशन है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जहां राष्ट्र, राष्ट्र को सिंगल एंड कॉमन कर लीजिएगा, राष्ट्र भावनात्मक या सांस्कृतिक आधार पर देश के लोगों को एकीकृत करने का माध्यम है जो भाषा, संस्कृति, प्रजाति निर्जातीयता के आधार पर अलग अलग है। नेक्स्ट, राज्य, एक राष्ट्र राज्य की परिभाषा है। आप हेडिंग डाल लें, पॉइंट बना लें, जैसा भी आपको उचित लगे। जो भी नए पॉइंट होंगे मैं हमेशा नए पॉइंट से लिखाता चलूंगा और वहां पे उसको हेडिंग, जब मुझे देखिए मेन हेडिंग है, अब एक एक लाइन की हेडिंग क्या बनाना। आप जैसे राज्य है उसको सिंगल इनवर्टेड कॉमा कर लीजिए और डैश करके आगे लिख लीजिए। जब राज्य एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या,
सरकार, संप्रभुता, को प्रदर्शित करता है। परगप्शन, विदेश नीति एक राष्ट्र के हितों, विदेश नीति एक राष्ट्र के हितों, उद्देश्यों, मूल्यों का एक ऐसा समूह है, का एक ऐसा समूह है जिसमें राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जिसमें राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपना स्थान सुनिश्चित करता है, में अपना स्थान सुनिश्चित करता है, राष्ट्रहितों की प्राप्ति, राष्ट्रहितों की प्राप्ति, संरक्षण एवं संवर्धन में किया जाने वाला कौशल, किया जाने वाला कौशल का उपयोग ही कूटनीति है, का उपयोग ही कूटनीति है। फुल स्टॉप। परिवर्तित होते हुए, परिवर्तित होते हुए वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य में राजनैतिक, राजनैतिक कौमा नागरिक संचार माध्यमों, संचार माध्यमों कौमा धार्मिक व्यापारिक शैक्षणिक, व्यापारिक शैक्षणिक सांस्कृतिक, शैक्षणिक सांस्कृतिक आधारों पर कूटनीति का संचालन किया जाता है। संचालन किया जाता है लाइन चेंज करिएगा। कूटनीति एक राजनैतिक प्रक्रिया है जिसमें संवादों के माध्यम से, जिसमें संवादों के माध्यम से दो या दो से अधिक राष्ट्रों, दो या दो से अधिक राष्ट्रों, राज्यों, राष्ट्रों या राज्यों के मध्य परस्पर पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा और इसे पेन चेंज कर लीजिएगा, तो यार नोट डाल के लिख लीजिएगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पहलू है जो कूटनीति और विदेश नीति को एक दूसरे से जोड़ता है, तो इसको या तो अलग पेन यूज़ कर लीजिए या नोट डाल लीजिए, और या सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिएगा। इसमें लिखिएगा, कूटनीति के अंतर्गत,
कूटनीति के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को विदेश नीति के स्तर पर व्यवहारिक बनाया जाता है। कहने का मतलब कि कूटनीति क्या है, एक पर्दे के पीछे, और विदेश नीति क्या है, जो पर्दे के सामने रहकर कार्य करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि राजनीति और प्रशासन का मेल मिलाप। राजनीति के स्तर पर प्रधानमंत्री पर्दे के आगे रहकर कार्य करते हैं, और वहीं उनके जो सचिव होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो पीएमओ ऑफिस में काम करने वाले अधिकारीगण होते हैं, जो कि पूरी एक योजना तैयार करते हैं किसी भी क्षेत्र विशेष को लेकर, वो पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कूटनीति का काम करते हैं, और उसको एक हालिया और व्यवहारिक स्वरूप और लोगों के समक्ष लेकर आने का काम कौन करता है, जो पर्दे के आगे रहकर काम करता है। तो यहाँ पर समझने के तौर पर ऐसा ही दीजिएगा, प्रधानमंत्री विदेश नीति का एक पहलू है जो कि प्रत्यक्ष है, या एस जयशंकर को डाल सकते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर सभी संबंधों को लेकर कैमरे के सामने हाथ मिलाकर हस्ताक्षर कर देते हैं, और उनकी जो पूरी एक टीम होगी जो उनके अंतर्गत काम करती है, कूटनीतिक तौर पर अलग देशों में रहते हैं, राजदूत इत्यादि हो गए, वो सब क्या हो गए, उनके पर्दे के पीछे बैठ के पूरा तथ्य तैयार करते हैं। चलिए अब लिखिएगा कूटनीति से संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावलियां। कूटनीति या विदेश नीति दोनों डाल सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही दूसरे के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण शब्दावलियां, पहला लिखिए भू राजनीति। भू राजनीति के अंतर्गत लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्धारण में भौगोलिक क्षेत्र, स्थलाकृति, प्राकृतिक संसाधन और जलवायवीय दशाओं का प्रभाव ही भू राजनीति है। नेक्स्ट, भू आर्थिक एक राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में आर्थिक संसाधनों का एवं व्यापारिक नीतियों का संयोजन भू अर्थनीति कहलाता है। जैसे इनका अगर एग्जाम्पल अगर आपको समझना है, जैसे भू राजनीति में भारत की जो भू राजनीतिक परिदृश्य है तो वो क्या है, भारत को एक तरफ हिमालय है, उसकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उसकी सुरक्षा को परिदृश्य इम्पॉर्टेंट है, दूसरा पर्यटन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, तीसरा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी हिमालय हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
तो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो हिमालयी देशों को लेकर एक अलग से भूराजनीतिक परिदृश्य रखा जाता है। भारत वहाँ पर नेपाल के साथ जो संबंध है, भूटान के साथ जो संबंध है, वो वहाँ पर भौगोलिक उनकी प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही हम वहाँ पर संबंध हमारे बनते हैं, जिसमें हाइड्रो पावर पॉलिसी एक बड़ा मुद्दा बनता है। तो वो क्या हुई, ऐसी पॉलिसीज भू राजनीतिक से प्रभावित होती हैं। भू अर्थनीति को देखें तो LPG रिफॉर्म्स का लाया जाना, LPG रिफॉर्म्स क्या लेकर आया, वैश्वीकरण लेकर आया, उदारीकरण लेकर आया, और साथ ही साथ क्या है वहाँ पर आपका निजीकरण लेकर आया। अब इसके अंतर्गत दूसरे देशों के लिए हमारी जो पहले एक बंद अर्थव्यवस्था थी 1990 के पहले, वो क्या हो गई, लोगों के लिए ओपन हो गई। अब दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ निवेश करने लगे, FDI बढ़ा, लोगों को यहाँ पर उनकी जो आय थी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, बाजार ओपन होने से कई सारे चीज़ों को लेकर यहाँ पर अवसर उपलब्ध हो गए, निजी क्षेत्र के कारण सरकारी जो एक स्थिति थी वो कम हुई, और इसके कारण भारत आज विश्व का एक सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र बन चुका है, एक उपभोक्ता बाजार बन चुका है, और सभी देशों के साथ भारत के संबंध जो होते हैं पहले से बदल गए। किस कारण से, उसकी भू अर्थनीति में लाए गए बदलावों के कारण। नेक्स्ट डालिएगा भू सामरिक एग्जाम्पल ग्रुप में, चाहे आप इन्हें डाल भी सकते हैं, आपको कभी समझ में ना आए तो इन एग्जाम्पल से आप समझ भी सकते हैं कि भू राजनीति में हिमालय का प्रभाव, भू अर्थनीति में LPG रिफॉर्म, तीसरा है भू सामरिक या भू रणनीतिक। इसमें लिखिएगा, एक राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा, एक राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा सैन्य बल सैन्यबल सैन्य आयुधों और हथियारों का आधुनिकीकरण तकनीकी हस्तांतरण तकनीकी हस्तांतरण का समन्वय भू रणनीति या भू सामरिक कहलाता है। अब इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आप इसमें युद्धाभ्यास लिख सकते हैं, जैसे मालाबार का युद्धाभ्यास हुआ, उसके माध्यम से राफेल का एक समझौता भी अलग से हुआ है, उसमें आपके हथियारों का, जहाज़ों का आधुनिकीकरण सम्मिलित है। मालाबार अभ्यास के माध्यम से विभिन्न दो अलग अलग देशों के मध्य जो होते हैं एक सैन्य स्तर पर वहाँ पर एक सहयोग स्थापित हुआ, समझ विकसित हुई। इन फ्यूचर मान लीजिए अगर किसी प्रकार का आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो किस तरीके से हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये भू सामरिक संबंध है, क्वाड को लेकर समझौते का होना, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट लिखिएगा भू सांस्कृतिक, हाँ जी किसमें, हाँ जी पहले थे दो, फिर तीन, फिर चार। भू सांस्कृतिक में लिखिएगा, इसके अंतर्गत दो देशों के मध्य ऐतिहासिक पक्षों कॉमा धर्म और दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बुद्ध सर्किट को देख सकते हैं, बुद्ध को लेकर बौद्ध जो धर्म है वो न सिर्फ भारत का बल्कि चाइना है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक बौद्ध धर्म का एक अच्छा खासा प्रसार है, और भारत इसी को केंद्रबिंदु लिखकर एक बौद्ध दर्शन के आधार पर एक विदेश नीति में एक साझाकरण की स्थिति रखने की कोशिश करता है। बौद्ध धर्म को विदेश नीति के अंतर्गत शांति के साथ जोड़ते हैं, तो शांति किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शांति सहयोग समझौता होते रहना चाहिए, वहाँ पर किस तरीके से हम एक दूसरे की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रख सकते हैं,
वो भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जोड़कर वो एक विदेश नीति का हिस्सा बनाकर संचालित करते हैं। और लास्ट डालिएगा भू मनोवैज्ञानिक। इसमें लिखिएगा, एक राष्ट्र की विचारधारा, एक राष्ट्र की विचारधारा, मनोभाव, नेतृत्व, नेतृत्व एवं मनोबल का, एवं मनोबल का वैदेशिक संबंधों में, वैदेशिक संबंधों में प्रभाव ही मनोवैज्ञानिक पक्ष है। प्रभाव ही मनोवैज्ञानिक पक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे पक्ष आपके इसमें कंप्लीट हो गए कि हम कूटनीति के कितने तरीके से संचालित करते हैं और हर एक देश के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं वो किन किन पक्षों को आधार बनाकर हम चल सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट आया एलपीजी में मूलतः दो चीज़ें आती हैं जिनमें वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये दो प्रमुख इम्पोर्टेंस पहलू रखता है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है? व्यापार। वैश्वीकरण का एक सीधा साधा मतलब यह हुआ कि संपूर्ण विश्व एक, ठीक है, संपूर्ण विश्व एक, और एक के आधार पर, व्यापार के आधार पर, वस्तुओं सेवाओं के आधार पर, वहां पे क्या हो कि बिना किसी रोक टोक के हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान वहां पर ट्रेवल आउट कर सकें, जिसमें ना वस्तु, मानव, पूंजी, ये सारी चीज़ों की सेवाएं, ये चारों चीज़ों की वहां पर पूरी तरीके से छूट होनी चाहिए। कोई कहीं भी आ जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है, व्यापार। अब दूसरी चीज़ है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या हुआ? किसी भी देश में जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज में का सरलीकरण किया जाना, जो कठोर नियम हैं उनको सरल किया जाना, उनको उदार बनाया जाना, उनको पहले से ज़्यादा सभी के लिए आसान बनाया जाना। और निजीकरण का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो क्षेत्र अब तक सरकारी हस्तक्षेप के कारण निजी क्षेत्रों के लिए खुले नहीं थे उनको वहाँ पर खोल दिया जाना, निजी क्षेत्रों को सभी क्षेत्रों में अवसर दिया जाना कि वो कार्य कर सकें, निवेश कर सकें, तो उसको हम निजीकरण कहते हैं। LPG रिफॉर्म्स के पश्चात भारत में यही हुआ। क्या हुआ? LPG रिफॉर्म्स के बाद वैश्वीकरण हुआ, सभी देश की कंपनियां यहां पर आपका ओपन होने लगी, वस्तु आने लगी, सेवाएं आने लगी, और भारतीय वस्तुएं सेवाएं भी बाहर जाने लगी, व्यापार बढ़ा, भारत को भी वहां पे फ़ायदा हुआ। उदारीकरण के अंतर्गत क्या हुआ? जो भी पहले लाल फीताशाही थी समाप्त की गई, कम की गई, धीरे धीरे पारदर्शिता लेकर आई गई। और इसके साथ साथ अगर हम आज के समय देखें, टेकल विंडो सिस्टम लेकर आया गया, ठीक है, मिनिमम गवर्नेंस की बात की जाती है कि वहाँ पर आपका प्रशासन कम से कम होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चीज़ों को लेकर डेवलप किया गया, पारदर्शिता में वृद्धि लेकर आएगी। तीसरा, निजीकरण लेकर आया। भारत सरकार वर्तमान समय में क्या कर रही है, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है, विनिवेशीकरण। और विनिवेशीकरण क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब सरकार के द्वारा प्रायोजित उसकी अपनी ही जो कंपनियाँ हैं या निवेशक क्षेत्र हैं वहाँ पर धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी को कम करना और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी हिस्सेदारी को निजी क्षेत्रों को सेल आउट कर देना, उसे क्या कहा जाता है? विनिवेशीकरण, अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट। और इसका विरोध हो रहा है, उसके क्या कारण है वो अलग से हम इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये सारी प्रक्रियाएँ आई। इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है विदेश नीति में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चाएँ होती हैं, दो अलग अलग प्रोस्पेक्ट हैं, इसी को हम डिस्कस करेंगे, बाकी का टॉपिक हम कल देखेंगे। एक है पावर, सबको चाहिए है? अब वो सुपर पावर वाले नहीं, किसी को एक्समैन, आयरन मैन, ये सब नहीं बनना, यहाँ अलग वाली पावर चाहिए। यहाँ पावर कौन सी चाहिए? यहाँ दो तरीके की पावर काम करती है। एक होती है यहाँ पर हार्ड पावर और दूसरी होती है सॉफ्ट पावर।
और एक तरफ यहां पर ध्रुव है, ध्रुव कौन सा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर एक अलग तरीके का ध्रुव होते हैं, यहां पे एक दिशी या कह सकते हैं एक देशी है, यहां पे एक बहुध्रुवी आता है और एक आता है द्विध्रुवी। सबसे पहले पावर की बात करते हैं, किसके पास कैसी पावर है, हार्ड पावर। हार्ड पावर जब किसी भी देश के द्वारा अपनी विदेश नीति को लागू करने के लिए अपने सैन्य हथियार का प्रयोग करें या किसी सामने वाले देश को अपने सैन्य हथियारों का या सेना का को दिखा करके सामने वाले को डराने और धमकाने का कार्य किया जाए कि वो उसकी पॉलिसीज को माने, अन्यथा उसके ऊपर हम आक्रमण कर देंगे, या आक्रमण कर दिया जाए या युद्ध की कह सकते हैं विभीषिका से उसे डराया जाए, जब इस पॉलिसीज का प्रयोग करते हैं तो उसे बोला जाता है हार्ड पावर। इसमें मूलतः सैन्य को भी रखते हैं और एक नई चीज में हम डेवलप कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं डेप्थ, ऋण जाल। अब इसमें क्या करते हैं, किसी भी देश के द्वारा पहले बड़े स्तर पर दूसरे देशों को ऋण दिया जाता है और इतना ऋण दिया जाता है कि उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद जब सामने वाला देश आपके ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाता है तब उसे अपनी पॉलिसीज को जैसे तैसे वैसे वो मनवा दे, क्योंकि आप या तो ऋण चुकाइए, सीधा सीधा कहता है या तो आप मेरा ऋण वापस करो या फिर जैसा मैं कहता हूं वो करो। दूसरी एक तो ये पॉलिसी होगी, या तो आप सैन्य ऋण जाल में फंसाओ सामने वाले को और अपनी पॉलिसी लागू करो। दूसरा होता है जिसको आराम से, इसमें सहायता करके, संवाद स्थापित करके, और अन्य पक्ष जिसमें आता है स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, फिल्म, संवाद, जनता, पर्यटन, इन पक्षों के माध्यम से आप दूसरे देशों के साथ एक बेहतर संबंधों को बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पर आपको इसे बोला जाता है सॉफ्ट पावर पॉलिसी। और इसमें अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, कौन से देश किस प्रकार की पॉलिसीज लेकर चलते हैं, ये हम आगे इन डेवलपमेंट करेंगे। भारत की पॉलिसी कैसी है, ये तो हो गए सिर्फ कॉन्सेप्ट, आज हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया, सॉफ्ट और हार्ड पावर में क्या डिफरेंसेस है। हार्ड पावर क्या हो गया, सैन्य के माध्यम से सामने वाले को डराने धमकाना या फिर रणजाल में फंसा कर सामने वाले से जैसे अपनी पॉलिसीज को मनवाना और कार्य कराने की स्थितियां। और सॉफ्ट पावर पॉलिसी के अंतर्गत विदेश नीति में स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, फिल्म, संवाद, जनता, पर्यटन इत्यादि इन पक्षों को सम्मिलित करते हुए दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करके कोशिश करना और बेहतर संबंधों की ओर आगे बढ़ना, और किन किन पक्षों में सहयोग कर सकते हैं उनको देखना। भारत की पॉलिसी ये है, चीन की पॉलिसी ये, ठीक है। आगे चलकर हम इनको जब भारत चाइना पढ़ेंगे तो वहां पर इस पॉलिसीज का विश्लेषण करेंगे कि भारत को सॉफ्ट पावर पॉलिसी का कितना यूज करता है, कितना इसका लाभ है, कितना नुकसान है, और इसके क्या लाभ और इसके क्या नुकसान है। तो जब हम पढ़ेंगे चाइना और इंडिया का रिलेशन तब यहां पर इस पॉलिसी को भी हम डिटेलिंग करेंगे, अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट है, परिभाषा समझ लेते हैं। दूसरा आता है एक ध्रुवीय, बहुध्रुवीय और द्विध्रुवीय देश। एक ध्रुवीय देश का क्या मतलब होता है, जब वैश्विक स्तर पर कोई भी देश सैन्य और आर्थिक स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो और सामने उसके कोई भी अन्य देश उसकी नीतियों का विरोध ना करने की स्थिति में हो, तो ऐसे देश को या ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, एक ध्रुवीय व्यवस्था। यही कन्वर्ट हो जाता है दो ध्रुवीय। एक ध्रुवीय वर्तमान समय में यूएसए को कह सकते हो कि एक ही सुपर पावर है जो इस समय वर्ल्ड पे है। क्या वो एक ध्रुव, उत्तर कोरिया एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में आता भी है,
एक चीज़ समझिए, अलग सिस्टम होने से मतलब नहीं है। क्या आपकी पॉलिसीज, क्या आपके द्वारा कहा गया कुछ भी, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सभी देश मानते हैं? मानते हैं, प्रभावित क्या? अच्छा, उत्तर कोरिया की कौन सी पॉलिसीज आई जिसने भारत के व्यापार को बंद कर दिया, या भारत का किसी दूसरे के साथ व्यापार कराना बंद कर दिया? है कोई पॉलिसी? लेकिन अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया कि ईरान के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, तो सब ने ईरान के साथ व्यापार करना बंद कर दिया। ये है सुपर पावर, कि आप एक बात कह दें और विश्व अर्थव्यवस्था में वो सब बात मानने को मजबूर हो जाए, तब तो आप सुपर पावर हुए। वो देश सुपर पावर नहीं है जो अपने स्तर पे एक अलग ही दुनिया में चल रहा है, अकेला चल रहा है, उसको ना किसी से वो कुछ भी कर रहा है, ना हम पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना हम कुछ कर रहे हैं उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। वो सुपर पावर नहीं हुआ, वो क्या हुआ? अकेला आदमी है, छोड़ दो, डिस्टर्ब है, दिमाग से परेशान है, वो परेशान होगा तो कहीं इधर उधर मिसाइल छोड़ता रहता है, कहीं इधर उधर घूम गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, उसका ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो मिसाइल में वो गायब भी हो जाएगा, नक्शा खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है? हथियार है। तो कहते हैं ना, जब अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक ना हो तो उसको क्या है, उसका इलाज किया जाना चाहिए, उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। अब उत्तर कोई मानसिक रूप से परेशान नहीं है, लेकिन क्या है, उसकी पॉलिसीज स्थिर नहीं है। कुछ देशों के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए, विदेश के लिए, दूसरे देशों के लिए एक बेहतर पॉलिसी उसकी नहीं। वो खतरा है। खतरा किस संदर्भ में है? कि वो अपने हित के संदर्भ में दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे अपना कितना भी नुकसान हो जाए। और जब कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अपने ही स्तर पर ऐसे आत्मघाती विचार आते हों कि मैं तो मरूंगा सामने वाले, लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहना भला है। कि उसको तो मतलब अपना तो फिक्र वो छोड़ ही चुका है, खत्म है। और जब ऐसे व्यक्ति से आपको क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। हम पंगा उनसे लेना जिसको सामने वाले को भी डर हो कि यार नहीं, अगर इससे लड़ूंगा तो एक दो चार मेरे भी पड़ेगी तो मुझे भी दर्द होगा। नहीं, अगर जो सोच के ही बैठा है दो चार पड़ेगी, चार पांच तो मैं भी मारूंगा, जो ऐसे मतलब जो लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो, तो उससे दूर रहना चाहिए। एक ध्रुवी समझ में आया क्या मतलब हुआ? दो ध्रुवी का मतलब क्या होता है? जब ऐसी दो शक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाकी के देश हों वो दो गुटों में बट जाएं और एक एक गुट के रूप में वहां पर एक दूसरे का प्रतिरोध करना शुरू कर दें। कब हुआ था यह स्थिति? 1947 के, वो आप कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से 1991 के पहले तक, जब यूएसए वर्सेस यूएसएसआर था, तब दो ध्रुवीय विश्व था। तब दो अलग अलग केंद्र बिंदु से नीतियों का संचालन होता था। एक तरफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सारे एक देश अमेरिका की तरफ थे, और साम्यवादी जो देश थे वो किसकी तरफ थे? आपके रशिया की तरफ थे, यूएसएसआर की तरफ थे, सोवियत संघ की तरफ थे। लेकिन यूएसएसआर के विघटन के पश्चात क्या बन गया? एक ध्रुवीय विश्व रह गया, अमेरिका ही सर्वे सर्वा बन के रह गया। अब एक आता है बहुध्रुवीय व्यवस्था। बहुध्रुवीय व्यवस्था का मतलब हुआ जब आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देश आर्थिक और सामरिक तौर पर एक दूसरे को प्रभावित करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता रखते हों, तो उसे क्या कहते हैं? बहुध्रुवीय देश। ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है। इन फ्यूचर कहा जा रहा है कि आगे चलकर 2050-60 तक बहुध्रुवीय देश होंगे, अर्थात व्यवस्था क्या हो जाएगी? बहुध्रुवीय हो जाएगी। एक तरफ यूएसए हो सकता है, चाइना डेवलप हो चुका होगा, भारत एक अलग से यहाँ पर डेवलप हो चुका होगा, और मे बी यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें और भी बेहतर हुई तो रशिया जैसे एक कंट्री, और इधर ब्राज़ील। ये कुछ देश हैं जो कि आप कह सकते हैं कि आगे चलकर 2050-60 के दशक में एक बहुध्रुवीय व्यवस्था के केंद्र बिंदु रखेंगे, जो सैन्य और आर्थिक दोनों ही पक्षों के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रभावित कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भू रणनीतिक और भू सामरिक पक्षों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। तो यहाँ पर जब ऐसी क्षमता कई सारे देशों के पास हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हम? बहुध्रुवीय व्यवस्था। तो समझ में आया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तीन तरीके की स्थिति है, एक समाप्त हो चुकी है, एक चल रही है, एक फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, भारत ना इसमें है, भारत ना इसमें है, लेकिन भारत इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारी क्रिया विधियाँ हैं। समझ में आ गए दोनों पॉइंट? पावर को लेकर दोनों चीज़ें स्पष्ट हैं, और ध्रुवीय देशों को लेकर। बहुध्रुवीय का मतलब क्या हुआ? दो ही चीज़ें हर जगह हैं, क्या हैं? सामरिक और आर्थिक, दो पक्ष हैं। अब मान लीजिए
चाइना ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके कारण इनको भी नुकसान है, इनको भी नुकसान है, इनको भी नुकसान है, इनको भी नुकसान है, लेकिन ये आपस में मिल करके यहाँ पर कार्य संयोजन कर लें और इनके द्वारा बनाई गई पॉलिसी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, न्यूट्रल कर दें, तो ये क्या हो गए, बहुध्रुवी व्यवस्था हो गई। यहाँ इनके द्वारा पॉलिसी जरूर बनाई गई लेकिन यहाँ पर ये बाकी लोगों ने साथ में मिलकर काम किया तो इनकी बनाई गई पॉलिसी का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी क्या है, अब यूएसए ने बोल दिया कि नहीं करना तो नहीं करना, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई भी करेगा तो हम उससे प्रतिबंधित कर देंगे। सब मानते हैं इनकी बात, एक लाइन में खड़े हो जाते हैं सब और कहते हैं जैसा प्रभु कहेंगे वैसा सब मानेगा। तो वहाँ पर वैसी स्थिति है, प्रभु राम खड़े हो गए हैं, एक बार बोल देते हैं भक्तों ऐसा करो तो सब कहते हैं ठीक है सर जी, सब वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो इस समय हालत किसी की ऐसी नहीं है। कारण क्या है, अब एक पक्ष ये कह सकता है रशिया सर है वो तो विरोध करता ही है, चाइना तो है वो तो करता ही है, लेकिन अभी भी जब आप आंकड़ों और तथ्यों के लिहाज से बात करें तो अभी भी ये दोनों ही देश अमेरिका से कोसों दूर है और ये इन फ्यूचर 20-30 साल बाद ऐसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी ये लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं। अगर हाल फिलहाल अभी कोई भी युद्ध हो जाए अमेरिका से कोई भी डायरेक्ट कह सकते हैं आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, ना ही सैन्य पक्षों को लेकर ना ही आर्थिक पक्षों को लेकर। दूसरा, आपके मित्र बहुत हैं, जब आप इस तरीके की स्थिति में होते हैं जहां सुपर पावर होते हैं तो आपकी बात मानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो यूएसए की तरफ यहां पर आपका पूरा यूरोपीय संघ जो मित्र देश है वो उसके पक्ष में खड़े रहते हैं, ठीक है। भारत के लिए भी अब अमेरिका बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है, पाकिस्तान तो था ही नालायक, अब एक और उसमें जुड़ गया चाइना भी, अब यूएसए और चाइना की अच्छी नहीं बनती। और जब यही होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ, दोस्त होता है, तो यहाँ पर जब भारत की भी चाइना से नहीं बनती, अमेरिका की भी चाइना से नहीं बनती है, तो भारत और अमेरिका क्या हो जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, और ऐसे लोग जुड़ते चले जाएंगे जिनके साझा हित होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परस्पर हित जहां पर दिखेगा ऐसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। और इसमें कौन जुड़ गया, जापान भी जुड़ गया, ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया, क्वाड बन गया, कहें चार लोग हो गए, एक से लड़ने के लिए चार लोग आके मिलके बैठ गए। ये स्थिति होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जहां पर लाभ दिखा लोग वैसे ही उस तरफ झुक जाते हैं, और इस समय सब चाइना के विरोध में बैठे हैं और यूएसए के सब पक्ष में बैठे हैं और उसका एक फायदा इनको भी मिलता हुआ दिखाई देता है और भारत इसी फायदे को भुनाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं, कोविड-19 के इम्पैक्ट को हम पढ़ेंगे इस बार के IR में, ही कोविड-19 का इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा विषय होगा क्योंकि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की पॉलिसीज को चेंज कर दिया, इसने पूरे नज़रिए को बदला है, इसने चाइना के पूरे प्रोस्पेक्टिव को बदला है, इसने यूएसए और इंडिया के पूरे प्रोस्पेक्टिव को बदल के रख दिया है। भारत के आत्मनिर्भर अभियान एक बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक कॉन्टिनेंटल इसे शिफ्ट कह सकते हो पूरी तरीके से, कि भारत एक सेवा प्रदाता देश से आगे अगले कुछ वर्षों में वस्तु निर्यातक देश की ओर जाने वाला है, जो कि भारत पिछले 70 सालों में आज तक अचीव नहीं कर पाया। उसने टारगेट किया है कि अगले 10 से 15 सालों में हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ा जो सेटबैक होगा वो चाइना के लिए होगा और सबसे बड़ा जो लाभ प्राप्त करेगा वो भारत, क्योंकि भारत ऑलरेडी यहाँ पर खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर, सेवा सेक्टर के माध्यम में वैश्विक स्तर पर उसकी तूती बोलती है, और अगर वो निर्यातक तौर पर वस्तुओं का भी हो जाता है तो भारत आर्थिक तौर पर महाशक्ति बन जाएगा। सैन्य पावर के लिहाज से भारत ऑलरेडी विश्व के टॉप 5 में आता है, टॉप 3 में आता है, तो वहाँ पर भारत उसे जितनी आर्थिक तौर पे आप सक्षम होंगे उसका प्रभाव देखेगा अपनी सैन्य मजबूती पर भी, और भारत 2050 तक ये जो बहुध्रुवी देश है उसमें भारत एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है पूरे विश्व के संचालन को लेकर, ना सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि यहाँ पर साथ ही साथ सैनिक तौर पर। और ये इसीलिए चाइना हमेशा भारत से इस समय एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत का उभरना चीन के लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। जो तोड़ मरोड़ की स्थिति में वो यहाँ पर अपनाता है वो भारत के आने से उसकी पूरी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत की पॉलिसी इनसे बहुत अलग है। भारत कैसी पॉलिसी लेकर चलता है? सॉफ्ट पावर, लोगों को मित्र बनाता है, अपना दुश्मन नहीं बनाता है, जबकि ये क्या कर रहा है, अपना दुश्मन बनाते जा रहा है। और भारत उन्हीं दुश्मनों को साथ में लेकर के एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहा है कि पहले अपने आप को मजबूत करो और साथ साथ उन लोगों को अपने साथ लो जो कि यहाँ पर एक साथ खड़े होकर इसका विरोध कर सके।
भारत क्या होगा, फ्रंट लीडर बनेगा और बाकी सब उसके पीछे पीछे चलने वाले। क्योंकि जब आप कमजोर होते हो तो आप किसकी ओर देखते हो, जो मजबूत हो, जो सच्चा, जिसके पीछे खड़े हो करके सिर्फ आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना, बाकी सारा काम वो खुद कर देगा। तो ये सारा कुछ समझेंगे, इन डिटेल में समझेंगे, पूरी कहानी समझेंगे, बहुत सारी घटनाएं आएंगी, तो कल इसका एक विश्लेषण प्रारंभ होगा। अच्छा ये तो इसमें दिक्कत तो नहीं है ना, इस सब तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो क्लियर है। पॉइंट जरूर बना के लिख लीजिएगा, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और एक ध्रुवी बहु ध्रुवी देश, इनका क्या मतलब होता है, बाकी आपको जितना समझ में आएगा उतना अपने स्तर पर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया, ऑफलाइन में जाएंगे, बाकी जो लाइव में बैठे हुए हैं घर पे, नींद वींद तो नहीं लेने लगे, सोने तो नहीं लगे, चलिए। तो ये सारा कुछ प्रोटोकॉल इसे नोट कर लीजिएगा, कल हम मिलेंगे तो इसी टॉपिक को बाकी का डिस्कस करेंगे और इसकी डिटेलिंग पे। कल की क्लासेस थोड़ी सी अब स्पीड, कल से स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, तो आप लोग भी थोड़ा सा तैयार रहें और क्लासेस थोड़ा सा टाइम उनको मैनेज कर दिया जाए, क्योंकि टाइम आपका भी जाता है एक्स्ट्रा और मेरा भी। हाँ, कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है क्या? हाँ, जब कभी ब्यूरोक्रेसी की जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप हो किसी भी कार्य, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, मतलब कि पुलिसों अधिकारियों का, किसी भी कार्य में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप की स्थिति को हम लाल फीताशाही कहते हैं। हाँ, जैसे कि आपको मान लो कोई भी काम कराना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर एक सीधी प्रक्रिया ये हो, ऑनलाइन हमने फॉर्म भर दिया, एक बार ऑफिस गए, ड्राइविंग चलाई, लाइसेंस आपको मिल गया, काम खत्म है। अब उसी के लिए एक बार आपको बुलाया जाए कि आप गए एक बार इंक्वायरी ले, फिर उसके बाद वो कहें चार दिन बाद आना, डॉक्यूमेंट्स ये लेकर आना, चार दिन बाद कहें कि नियम बदल गए, चार डॉक्यूमेंट्स और लेकर आओ, फिर उसके बाद कहें कि एक बार चला के दिखाओ, फिर कहें कि अभी आप ठंड से चला नहीं पा रहे हो, 15 दिन बाद आना प्रैक्टिस करके, फिर उस 15 दिन बाद कहें तो आपके फिर वहाँ पे काम आगे बढ़ा दिए, कहें कि आपको अब 15 दिन फिर से या एक महीने बाद आके आपने काम वो अडे वोटर या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है लेकर जाइएगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस लेकर देने गए तो वहाँ पर फिर क्या कहें कि कुछ हमारा भी आपका काम हो गया, कुछ हमारा भी किया जाए, नहीं दे रहे हैं तो किसी काम से टाल दिया कि अभी ऑफिसर नहीं आया है, कल आइएगा 15 दिन बाद। तो मतलब एक काम के लिए, जो कि यहाँ पर सिर्फ मिनिमम आपके एक या दो बार, एक बार जाने से हो जाना चाहिए था, उसी काम के लिए आपको कई सारे चक्कर लगाने पड़ रहे हों और एक काम को बार बार आपको टहलाया जा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं लाल फीताशाही। जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप के कारण किसी कार्य में बहुत ज़्यादा लेटलतीफी होती हो, जबकि होना नहीं चाहिए, एक पारदर्शिता और एक सामान्य और सिंपल से स्टेटमेंशन लेवल के आधार पर अगर हम देखें, जब इस तरह की स्थिति आती है उसे हम कहते हैं लाल फीता शाही, और ये किसी भी काम में हो सकता है। लेकिन कंप्यूटराइजेशन के कारण ये चीज़ें आसान हो गई, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर ये इजी गोइंग हो गई हैं, अब घर बैठे आप सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे कल 3:30 बजे और बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इतना पढ़ लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी आपकी स्टडी है, जिनके पास बुक नहीं है वो पढ़ लेंगे, कर लेंगे रिविजन। थैंक यू सो मच।